ये विस्तारक की भूमिका में हमें हर विधानसभा में जाना है और उस विधानसभा की विभिन्न नब्जों को टटोलने का काम करना है। मैं इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट से हूँ। आपको इंदौर के बारे में इससे पहले कोई जानकारी, कभी इससे पहले इंदौर आना पा रहा है ना, आप तो जानते ही है, तो उसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग आज चल रहा है, इसमें हार्दिक पटेल भी गुजरात से पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अब तक के लिए ट्रेनिंग दी गई है उस पर हम बात करते हैं। हार्दिक भाई, क्या अब तक के लिए आप लोग को बताया गया है? देखिए, ये विस्तारक की भूमिका में हमें हर विधानसभा में जाना है और उस विधानसभा की विभिन्न नब्जों को टटोलने का काम करना है। और जो संगठन से बातचीत होगी, लाभार्थियों से बातचीत होगी, प्रदेश और सेंट्रल नेतृत्व का ही जो जनहितैषी सी योजनाओं जो लोगों तक पहुंची है उसका जनमानस पे क्या असर है, बस उसके लिए लोगों से बातचीत करने के लिए जाएंगे। पिछली बार जब आप आए थे तब एक दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से आए थे, तब और अब में आपको लगता नहीं थोड़ा सा अब अंतर आ गया है काफी चीजों में? राजनीतिक जीवन में आपको ऐसे ही निर्णय करने होते हैं और जो जनहित का निर्णय होता है, जो राष्ट्रहित का निर्णय होता है, वही लोग करते हैं। और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि हमारे इसी निर्णय के कारण गुजरात के लोगों ने हम लोगों को स्वीकारा है। मैं 52,000 वोटों से जीता हूँ, तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में भी हर विधानसभा में जाके हर विस्तारक की भूमिका जो है उसको अदा करेंगे और सफल नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मिला है उसके लिए लोगों को आह्वान करेंगे। आपको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई? मैं इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट से हूँ। आपको इंदौर के बारे में इससे पहले कोई जानकारी, कभी इससे पहले इंदौर आना पा रहा है ना, आप तो जानते ही है, तो उसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। जो बात करने के लिए दिए थे हार्दिक पटेल, जिन्होंने खास बात की आज तक से। ये जो प्रशिक्षण वर्ग आज चल रहा है विधायकों का, इसके लिए आज पहुंचे हैं भोपाल। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह।